हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव ऑफ इंडेक्स के ऊपर बच्चों, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बच्चों काफी डाउट्स रहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, इसकी डेरिवेशन क्या होती है, इसके हम फॉर्मूले कितने फॉर्मूले होते हैं और इसके न्यूमेरिकल्स हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो हम आपको बेस्ट मेथड्स लेकर आए न्यूमेरिकल्स की। देखो बच्चों, यदि आपने स्किप किया तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। आपको स्किप नहीं करना, भले ही आप थोड़ी स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो। हमारी थोड़ी बहुत वीडियो लंबी भी हो जाएगी तो इसका मतलब होगा हमने उसमें न्यूमेरिकल्स और ज्यादा होंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स की वजह से हमारी थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव ऑफ इंडेक्स से पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्नेल्स लॉ क्या होता है। स्नेल्स लॉ, वैसे तो हमने इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनाई है। आपने वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर आप वो वीडियो देखें। नहीं भी देखी है तो हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हैं। वैसे तो आप देख लेना तो इससे आपको और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ने इन्हें बताता है जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रिलेशन बताता। क्या बताता है? रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों के बारे में उन्होंने रिलेशन बताता। क्या रिलेशन बताता? मान लीजिए इस तरीके से हमारी जो लाइट जा रही है, ये इस तरीके से इंसिडेंट रे जा रही है और ये बीच में क्या बनती थी हमारी नॉर्मल, और इस तरीके से वो लाइट हमारी चली जाती थी। मान लेते हैं हमारा ऊपर था एयर और नीचे से ग्लास, इसलिए एयर में स्पीड ज्यादा होती है तो ये स्पीड ऑफ लाइट जिसमें ज्यादा स्पीड रहती है, जब हम कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयर की तो उसमें क्या हुआ, ये रेयर मीडियम आया। क्या? रेयर मीडियम। क्यों रेयर मीडियम आया? क्योंकि हमने एयर और ग्लास को कंपेयरिंग किया। कहीं वाटर और ग्लास को कंपेयर होती तो वाटर इसमें रेयर मीडियम होता, कहीं हम इन दोनों कंपेयरिंग करते तो इसमें रेयर मीडियम हमारा क्या होता है, एयर होता, क्योंकि एयर में ज्यादा स्पीड होती है इसलिए। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं आप सबसे पहले वो वाली वीडियो देख ले, उसमें हमने आपको एक एक चीज बताया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी रेयर मीडियम, ये क्या हो जाएगी हमारी डेंसर मीडियम। जब हमारी रेयर टू डेंसर मीडियम जाती है तो इट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, ये हमारी नॉर्मल, ये हमारी कैसी हुई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, जो इंसिडेंट रे थी और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, ये सब तो हम बात कर चुके थे, ये इंसिडेंट ये सब के बारे में। तो इन्होंने क्या बताया, रिलेशन निकाल के आया था जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका रेशियो हमारा क्या आ रहा था, कॉन्स्टेंट रेशियो आ रहा था। मतलब कि जब हम साइन, जब तक मीडियम चेंज नहीं कर रहे थे, जब तक हम अपनी लाइट को चेंज कर रहे थे, कभी ऊपर से थोड़ी और टेढ़ी कर दी, कभी ज्यादा कम, इस तरीके से चेंज कर रहे थे, लेकिन हमने मीडियम चेंज नहीं कर रहे थे, तो जो वैल्यू आ रही थी वो हमारी कॉन्स्टेंट वैल्यू आ रही थी। कैसी? कॉन्स्टेंट वैल्यू, वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी, एंगल चेंज हो जा रहे थे इनके, इसलिए वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी। तो आप कहोगे ये क्यों पढ़ा रहे हो सर, हमको तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ना है ना। तो देखो बच्चों, जो कांस्टेंट टर्म आता है, जो कांस्टेंट टर्म आ रहा है, यही तो होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या? जो साइन आई साइन अपॉन की आर की वैल्यू, जो कांस्टेंट टर्म आ रहा है, यही है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेकिन किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्या किसका रिफ्रैक्टिव? तो यहां पे लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम। मतलब कि जो हमारा जो रिफ्रैक्टिव ऑफ इंडेक्स आ रहा है वो किस मीडियम का है, सेकंड मीडियम का है, फर्स्ट मीडियम का नहीं है, लेकिन वो फर्स्ट के रिस्पेक्ट में है। ये हमारी कौन सी मीडियम थी, ये हमारी मीडियम थी फर्स्ट और ये हमारी मीडियम थी सेकंड मीडियम थी। तो एक बात नोट कर लो, हम हमेशा रिफ्रैक्टिव ऑफ इंडेक्स सेकंड मीडियम का निकालते हैं। सेकंड मीडियम का कहने का मतलब है जहां से हमारी इंसिडेंट रे आती है, ये इंसिडेंट रे आती है इसका नहीं, जिसके अंदर चली जाए, जिसके अंदर हमारी लाइट जाए, जिसके अंदर हमारी लाइट जाए, उसका उसका इंडेक्स निकाला जाता है। तो हम यहां पर एक पॉइंट लिख लो अच्छा हिंदी में, क्या? जिस जिसमें लाइट रे जाती हैं उसी का रिफ्रैक्टेड इंडेक्स आता है, जिसमें हमारी लाइट रे जाती हैं उसी का क्या आता है, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है। क्या? जिसमें हमारी लाइट रे जाएंगी उसी में हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। लेकिन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको डिनोट किससे करते हैं, तो हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको हम डिनोट कर सकते हैं एन से और म्यू से। ये क्या हो सकता है, म्यू, ये दो तरीके से हम इन्हें डिनोट कर सकते हैं, लेकिन हमारा एनसीईआरटी में डिनोट किया है एन से, तो हम इसे एन से ही डिनोट करेंगे। तो देखो इसको लिखने का तरीका, देखो आप लिखते किस तरीके हैं। तो देखो यहाँ पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हमारा एन है, ठीक है, ये हमारा कैसा एन है, एक तरीके से अच्छे से
ये हमारा एन है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, तो सबसे पहले आपको सेकंड लिखना है, किसकी कंपेयरिंग में, फर्स्ट, तो इसको फर्स्ट में लिखना है। तो देखो इसको लिखने का भी तरीका भी ऐसा ही है, सेम है, जैसे हमने किसमें निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, तो ऊपर लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, फिर डिवाइडेड बाय करेंगे रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट मीडियम। जैसे हमारे समय फर्स्ट मीडियम कौन था, पहला मीडियम हमारा यार था, तो यहाँ पर लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पहला मीडियम यार, जिसमें लाइट जाए उसकी बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, फिर लिखेंगे एयर का इज इक्वल टू में, तो फिर यहाँ पे भी ऐसे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और अपन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, यहाँ पे हुआ एयर। देखो बच्चों आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि हम इसको निकालेंगे कैसे, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरीके से निकाला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मिल जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर से निकाल सकते हैं, या तो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका गिवन हुआ, एयर का गिवन हुआ, या फिर ग्लास का गिवन हुआ, या फिर इन दोनों गिवन हुआ, तो आप इससे निकाल सकते हो इसका, यदि आपके पास ये गिवन है, ये गिवन है जी, इसको किस तरीके से निकालते हैं, ये निकालते हैं साइन आई अपॉन में साइन आर, जो हमारी वैल्यू, जो भी वैल्यू आई वही क्या हुआ हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वैल्यू गिवन हुई तो आपके ईयर की गिवन होगी, तो उससे आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। ये आपको देखो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें किसका मिलता है, हमेशा सेकंड मीडियम का मिलता है, आप इसको निकालने की बात मत करो, अभी आपको कंफ्यूज होगा, न्यूमेरिकल कराएंगे तो और भी अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। इतना समझ में आया आपका, जब भी जो एंगल, एंगल की वैल्यू निकल के उससे भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, और भी चीजों से, अभी और इनसे भी निकाल सकते हैं, जब हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक का गिवन है और यहाँ पर दोनों का गिवन हो सकता है हमारे पास, ये जी हमारे सर ये वैल्यू आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ हम ग्लास का निकालते हैं, ये हम एयर का और दोनों का नहीं निकाला है, सिर्फ रिस्पेक्ट में निकाला है, ये बेसिक इसका निकाला है, ग्लास का निकाला है। देखो एग्जाम्पल से समझाते हैं, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, थोड़ा भी इसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ग्लास का निकाला है एयर का निकाला है, ठीक है, अभी ये भी जी हम आपका क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे देखो, जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, लेकिन हमारा ये तो आप याद रखना, हमारा जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है, हमारा जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है वो कितना रहता है, वन रहता है, सिर्फ और सिर्फ एयर का ये क्या रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन, ये हमारे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये वो तो रिस्पेक्ट में है, अभी दो मीडियम इसलिए रिस्पेक्ट में लिख दिया, कैसे, वाटर पहले किसका, देखो हमारी लाइट कहां से जा रही है, एयर टू वाटर, तो पहले लिखेंगे वाटर विद रिस्पेक्ट टू ए, इस तरीके से, तो यहाँ पे लिखेंगे एन और यहाँ पे लिखेंगे डब्ल्यू अपॉन ए, वाटर अपॉन ए, जिसमें नीचे का आया उसको ऊपर लिखना है और पहले लिखना है, इतना भी आप दिमाग लगा सकते हो ऐसे। यहाँ पे देखो फिर उसके बाद एक चीज और नोट करना, लोग आप पहले ये क्लियर करा, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पहले किसका लिखेंगे, किसमें लाइट जा रही है हमारी, किसमें लाइट जा रही है, ग्लास में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कहाँ से आ रही है, एयर से, तो फिर एयर से, तो हमारी लाइट किसमें जा रही थी, ग्लास में, अपॉन में क्या हो जाएगी ए, तो आप इसका ये ऐसी सेम इसमें हो जाएगा, ये तो आप लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। अब देखो ये एग्जाम्पल क्यों लिखेंगे आप, तो ये देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तीनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने देख लिए, सबसे कम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कम है, तो इसमें देखो लाइट हमारी कम बेंड हो रही, और इसमें ग्लास में आया, जैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की बात करी तो ग्लास में और ज्यादा बेंड हो गए, ये सबके पास आप एनसीईआरटी बुक में लिखे होंगे कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे ग्लास का है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का, तो इसमें और ज्यादा बेंड हो गई, और डायमंड में तो देखो कितनी ज्यादा बेंड हो गई, ऑलमोस्ट देखो कितनी ज्यादा बेंड हो गई, तो डायमंड इसका क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो इससे क्या पता चलता है आपको, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ही ज्यादा हमारी लाइट बेंड होगी। तो क्या पहला पॉइंट क्या निकल के आता है, क्या मैं यहाँ पे पॉइंट लिख दूं, ये आप नीचे लिखना, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, या फिर आपने ये सब नोट कर लिए हो, मैं इतना इतना रफ कर देता हूँ, ठीक है, मैं इतना ये रफ कर रहा हूँ, आई होप आपने नोट कर लिए होंगे। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट देखना, इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये निकाल के आ जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसका है हमारे पास, देखो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर में कम है, उसके बाद उससे ज्यादा किसमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से ज्यादा किसका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, ठीक है, ये एनसीईआरटी में कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए हमने ये तीनों का एग्जांपल ले लिया है, ठीक है। अब मैंने बात किसी करा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, रिफ्रैक्ट बेंडिंग ऑफ लाइट की बात चली थी, ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट की बात कर ली, सबसे ज्यादा बेंड, जितनी ज्यादा बेंडिंग ऑफ लाइट होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो पहला पॉइंट रिफ्रैक्टिव ऑफ इंडेक्स है बेंडिंग ऑफ लाइट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा हमारी लाइट बेंड होगी, क्यों, लेकिन डेंसिटी, जितनी ज्यादा डेंसिटी है, इसमें डेंसिटी आपको पता है एयर में डेंसिटी कम होती है, लेकिन लाइट वाली डेंसिटी की बात करें, इसलिए हम किसकी बात करेंगे, ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में बोलेंगे। देखो
ये देखो ये एयर में क्या होता है, हमारी पार्टी मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं और ग्लास में मॉलिक्यूल्स पास पास रहते हैं, और इसमें थोड़ी थोड़ी वाटर में देखो आप वाटर में थोड़ी थोड़ी पास थोड़ी थोड़ी दूर रहती है, इसलिए वाटर क्या होता है वाटर इजिली फ्लो करने लगता है, लेकिन ग्लास ग्लास फ्लो क्यों नहीं करता, इसके मॉलिक्यूल्स और आपस में रहते हैं इसलिए इसकी और ज्यादा डेंसिटी, डायमंड डायमंड और ज्यादा हार्ड रहता है इसलिए इसके और मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत ज्यादा पास में रहते हैं। तो इससे पता क्या चलता है, हमारी जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं जितना ज्यादा हमारी डेंसिटी है ऑप्टिकल डेंसिटी है, जितनी ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ज्यादा हमारा क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो हम कह सकते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल ऑप्टिकली डेंसिटी, ठीक है, जितनी ज्यादा हमारी डेंसिटी होगी उतनी ही ज्यादा हमारा क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, या फिर जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ज्यादा हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी होगी, ठीक है, ये पॉइंट भी कसम आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें एयर, एयर की स्पीड क्या होती है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए स्पीड के बारे में, एयर एयर में हमारी एयर में स्पीड कितनी होती है, हमारी कितनी होती है 3×10^8 m/s, ये तो आप याद रखना, भले आप ग्लास ग्लास की बने उससे आता वाटर, वाटर में हमारी स्पीड कितनी होती है 2.25×10^8 m/s, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ग्लास, ग्लास में हमारी कितनी स्पीड होती है, कितनी स्पीड होती है हमारी ग्लास में होती है 2×10^8 m/s, ठीक है। अब डायमंड की आपको याद रखने की जरूरत नहीं है 1.21×10^8 m/s, ये हमारे डायमंड की स्पीड होती है। तो देखो बच्चों हमारी देखो इसमें कैसी थी, जिसमें सबसे ज्यादा स्पीड थी ये एयर में ज्यादा स्पीड थी और इसमें कम बेसी थी, इसलिए हमारी स्पीड से क्या होता है लाइट बेंड हो रही थी, हमने बताया था बेंड क्यों होती है लाइट, क्योंकि स्पीड के कारण स्पीड के डिफरेंस आ जाते हैं, इसमें कम लाइट हो इसलिए हमारी लाइट ज्यादा बेंड हो। देखो इसमें ज्यादा ये पहले एयर में देखो इस तरीके से आ रही और डायमंड में देखो कितनी ज्यादा कम हो गई, तो मतलब जितनी ज्यादा स्पीड उतना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि देखो यहाँ पे ज्यादा स्पीड है, यहाँ ज्यादा स्पीड है तो कम बेंड हुई है, कम बेंड हुई है, सॉरी यहाँ पे सॉरी वाटर में भी क्या थी, वाटर में भी हमारी क्या थी इसकी कंपैरिजन में ज्यादा, वाटर में ज्यादा स्पीड थी डायमंड से, तो इसमें ज्यादा स्पीड थी तो थोड़ी कम बेंड हुई, लेकिन डायमंड में बहुत कम स्पीड थी, बहुत कम स्पीड थी, तो देखो कितनी ज्यादा बेंड हुई, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या मिलता है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या, स्पीड ऑफ लाइट में हमारे क्या पॉइंट मिल जाता है, यदि हमारी जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ज्यादा हमारी क्या होने वाली है स्पीड होने वाली है, ठीक है। अब थोड़ी बहुत हम स्पीड के ऊपर चर्चा कर देते हैं, तो आप इसको नोट करो, मैं रफ करता हूं, कर लिया नोट, तो मैं रफ करूं, ओके तो मैं इसको रफ कर देता हूं, तो आप इसको नोट कर लो, ठीक है, आपने नोट तो कर लियो। अब देखो हम बात करते हैं लाइट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट के ऊपर, तो यहां पर लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो देखो अब हम बात करते हैं, ठीक है, स्पीड के बारे में बात करते हैं, तो देखो ये हमारे क्या मान लेते हैं एक एग्जांपल, और ये हमारा ग्लास और एयर का एग्जांपल लेके चलते हैं, ग्लास और एयर का, तो बताओ इसमें हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, एयर का हमने बताया था, एयर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमारा एयर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होने वाला है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, उसी तरीके से ये हमारा सिर्फ और सिर्फ किसका दिया है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ये सिर्फ और सिर्फ ग्लास का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये इसका मतलब ये नहीं कि एयर का भी इसमें नहीं, सिर्फ और सिर्फ ग्लास का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब ये डिवाइडेड बाय ये हमने इस तरीके से 1 नीचे 1 हटा दिया तब भी तो ये इसी का है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ और सिर्फ ग्लास का है, ठीक है, इतना समझ में आएगा। अब देखो हमने एक बात बता दी, जितना ज्यादा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतनी ही कम क्या होने वाली है हमारी स्पीड कम होने वाली, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा सॉरी हाँ जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ज्यादा स्पीड, जैसे इसमें हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो इसमें हमारी स्पीड ज्यादा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सीधा हम एन से डिनोट करते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, यदि हमारा जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ज्यादा स्पीड होगी, या फिर जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी कम स्पीड होगी, तो ठीक है। तो हम ये इस तरीके से हमारा ये था, तो एन इज इक्वल टू 1/v। देखो एक और डाउट क्लियर करता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट को हम किससे डिनोट करेंगे, सी और वी, ये दोनों टर्म से किसी को भी डिनोट कर सकती हो जो आपको ठीक है, नहीं आपको कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है सी या बी से, तो आप दोनों में से किसी को, वैसे तो वैक्यूम के लिए हम सी का यूज करते हैं लेकिन आप दोनों का भी यूज कर सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं हुआ, बात बराबर होने वाली है, ठीक है। तो देखो बच्चों अब अभी आपने एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या बनाया, रिफ्रैक्टिव ऑफ इंडेक्स, हमने एयर टू ग्लास हमारी कैसी थी मीडियम 1,
ये कैसी थी हमारी मीडियम वन और ये थी हमारी मीडियम टू और ये इनके रेफ्रेक्टिव इंडेक्स थे, ठीक है। तो यहाँ पर रेफ्रेक्टिव इंडेक्स किसका लगे एम टू वन, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो लिखने का तरीका एन टू अपॉन में एन वन, ये तो हम अच्छे से बता चुके हैं आपको। अब देखो बच्चों, अब स्पीड की बात किया तो हम पहले सेकंड मीडियम की स्पीड की बात करते हैं। देखो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पहले यहाँ पे लिखेंगे मीडियम, ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन मीडियम फर्स्ट इज इक्वल टू में क्या होगी वन अपॉन में वी हो जाएगी, क्यों इसका भी तो कुछ ना कुछ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, थोड़ी बहुत तो स्पीड रुक रही होगी ना, हाँ माना कि ना के बराबर रुक रही है लेकिन थोड़ी बहुत तो रुकेगी, तो इसका मतलब थोड़ा बहुत तो इसमें, इसलिए तो इसमें वन है, थोड़ा बहुत तो हमारे पास रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वन है, नहीं तो सीधा जीरो ही हो जाता ना, कुछ ना कुछ है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, इसलिए थोड़ी बहुत स्पीड रुक रही है तो इसलिए इनवर्स नहीं रुको, ऐसी दूसरी में इसका भी क्या होगी वन अपॉन में वी हो जाएगी। तो बस अब हम इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम वन अपॉन में वी, ठीक है, और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम में क्या है टू वी, देखो सेकंड मीडियम का लिखते हैं, ये तो फर्स्ट मीडियम का लिख दिया, ये वन अपॉन में वी है और इन टू, अब ये डिवाइडेड बाय सेकंड मीडियम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वन अपॉन वी, इस तरीके से आएगा सेकंड मीडियम, और ये वी ऊपर चला जाता है, वी वन हुआ यहाँ पे, वी वन ये V1 हुआ, ये V1 यहाँ से जाके ऊपर आ जाता, तो मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या होता है N2 अपॉन में N1 is equal to V1 अपॉन में V2, मतलब हमारी स्पीड उल्टी हो जाएगी, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और एक बार हमारे पास फॉर्मूला निकाला था साइन का, साइन I अपॉन में साइन R और इक्वल टू रिस्पेक्टेड ऑफ साइन I और मीडियम क्या हो जाएगी यहाँ पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा N2 मीडियम ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। देखो बच्चों इतना समय आया, देखो हमने ये क्यों किया, क्योंकि इसलिए हुआ हमारी स्पीड कम हो रही थी, देखो डायमंड में गए थे तो और भी कम स्पीड हो रही थी यार, और डायमंड की कंपेयर करते यार, यार में हमारी स्पीड कितनी थी देखो, अलग ही पद समझ में आया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है, और डायमंड में स्पीड कितनी थी 1.28 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, देखो कितनी ज्यादा कम हो गई इसमें, इसलिए हमारी स्पीड क्या हो रही डिक्रीज हो रही। उसी तरीके इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना ज्यादा है, इसका कम है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो रहा है, देखो इसमें कम रिफ्रेक्टिव, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपको न्यूमेरिकल्स की टेंशन मत लो, वो भी मैं हर एक टाइप के लेकर आया हूँ, ठीक है, आप इसको नोट करो। तो देखो बच्चों अब हम बात करते हैं रिलेटिव और एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में, अभी हमने बात की है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में हमने बात की है जब हमारी लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है तो जो हमारे साइन आई और साइन आर की वैल्यू जो कॉन्स्टेंट वैल्यू आती है ना उसी को क्या बोलते हैं हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, उसी मीडियम का। देखो इसमें क्या लिखा है, जब हमारी लाइट एक मीडियम से मतलब एयर मीडियम से किसी पार्टिकुलर मीडियम में जाए, चल ठीक है एयर मीडियम या फिर और या से किसी पार्टिकुलर मीडियम में जाए जाती है तो उसी हम क्या कहते हैं जब इस तरीके से हमारी यार ये जा रही और इस तरीके से जो हमारी साइन आई और साइन आर की वैल्यू जो साइन आई और साइन आर की वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है उसी को क्या बोलते हैं हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, इस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा उसको क्या बोलेंगे हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। लेकिन अभी हम बात करते हैं हम एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, फिर हम बात करेंगे रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में आई आर लिख देता हूं, देखो और यहां पे लिख दिया रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में देखो एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसे कहते हैं जो हमारा पहला मीडियम, पहला मीडियम हमेशा हमेशा कैसा हो, पहला मीडियम या तो हो हमारा एयर या फिर हो हमारा वैक्यूम, या तो हमारा वो एयर वैक्यूम एयर हो या फिर वैक्यूम, इसके सवाल दूसरा मीडियम नहीं होना चाहिए, जो हमारा जो सब्सटेंस है ना जो पहला किससे बना हो एयर से बना हो या वैक्यूम से बना हो, तो ये हमारा दूसरा आप कोई सा भी ले सकते हो, दूसरा आप कोई सी भी मीडियम ले सकते हो, ग्लास ले सकते हो, वाटर ले सकते हो, डायमंड ले सकते हो, जो आपका मन करे वो ले सकते हो, लेकिन पहला हमारा एयर होना चाहिए, तो ऐसे वाले को हम क्या बोलेंगे एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। इसको लिखने का तरीका क्या हुआ, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर या फिर ले सकते हैं वैक्यूम, तो इसको किस तरीके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉट अपॉन में एयर, ये इस तरीके से। देखो हमेशा सेकंड मीडियम की बात करना है, सेकंड मीडियम में जाएगी उसी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, पहले मीडियम का नहीं निकल के आता सेकंड का ही निकल के आता है, ठीक है। उसी तरीके से अब हम बात करते हैं इसकी
रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की। रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, इसमें हमारी कोई मीडियम फिक्स नहीं रहती, इसमें मीडियम फिक्स कर दी इसलिए हम एब्सोल्यूट कहने लगे। रिलेटिव इसमें हम मीडियम फिक्स नहीं करते, इसमें हमारी मीडियम पहला हमारी मीडियम कोई भी हो सकती है। मान लीजिए पहला मीडियम हो सकता है हमारा ग्लास, दूसरा हो जाएगा वाटर। उसी तरीके से हमने यहाँ पे एक केस और बनाया, पहले में हो जाएगी वाटर और दूसरे में हो जाएगा हमारा ग्लास, इसमें कोई सा भी सकता। तो इसमें हमें किस तरीके से लगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ इसका, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के में। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन में हो जाएगा ग्लास, और इसमें क्या हुआ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, पहले किसका हुआ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, विद रिस्पेक्ट टू उसकी तुलना में, तुलना की बात चलेगी। तो यहीं पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इस तरीके से कह सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्लेक्टिव। इसमें क्या होगा, इसमें क्या सिर्फ एयर नहीं होना चाहिए, इसमें हम एयर नहीं ले सकते, एयर नहीं होगी इसमें, इसमें ओनली एयर, एयर या फिर वैक्यूम। पहला मीडियम कैसा होना चाहिए, एयर होना चाहिए या फिर वैक्यूम, यहाँ पे लिखने और फर्स्ट मीडियम क्या होना चाहिए, फर्स्ट मीडियम एयर या फिर वैक्यूम ओनली। इसमें फर्स्ट मीडियम एयर और वैक्यूम नहीं होना चाहिए, एयर एंड वैक्यूम नहीं होना चाहिए पहले मीडियम में, ठीक है आप लिख लेना। पहले मीडियम में इसमें क्या होना चाहिए, एयर और वैक्यूम, ठीक है ये समझ में आ गया इतना समय। अब मैं इसकी डेफिनेशन और लिख देता हूँ, ठीक है मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूँ। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, वेन लाइट, वेन लाइट पासिंग फ्रॉम तो देखो एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसे बोलेंगे, जब हमारी लाइट क्या हो वैक्यूम या एयर में से पास करे दूसरे मीडियम में, तो उस वाले वैल्यू जो वाला जो हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा उसे हम क्या बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे थोड़ा सा और अच्छा समझ में आएगा। तो देखो उसी तरीके से हमारा रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन भी सेम ऐसी हो जाएगी, व्हेन लाइट इंडेक्स। देखो जब हमारी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करे, क्या जब हमारी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करे तो उसे हम क्या बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे, ठीक है यही थे हमारे दोनों मीडियम कौन सी दोनों। अब आपको समझ में आ रहा है रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बस इतना सा था। अब हम बात करते हैं जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड किस किस पर करता है, तो आप पहले से नोट करो, मैं रफ करता हूँ, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे रफ करता हूँ। तो देखो बच्चों अब ये डिपेंड करता है, हम उसके ऊपर बात करते हैं कि ये किस किस चीज पर हमारा डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे लिखता हूं डिपेंड रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स एंड डिपेंड ऑन तो यहां पे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन। देखो किस किस पर डिपेंड्स करता है, देखो पहला आता है कि जो हमारा नेचर पर, कि जो हमारे मीडियम का नेचर कैसा है, जो हमारा जो सब्सटेंस है ना वो उसका नेचर कैसा है। तो हम पहले देखते हैं द नेचर ऑफ द मीडियम, द नेचर ऑफ द मीडियम, कि हमारे जो मीडियम का नेचर कैसा है, नेचर मीडियम, देखो मीडियम मटेरियल मीडियम मीडियम, ठीक है मीडियम यानी कौन सा सब्सटेंस है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट वेवलेंथ, वेवलेंथ इसकी वेवलेंथ मतलब कि उसका कलर कैसा है, कलर पर भी डिपेंड करता है उसकी वेवलेंथ कैसी है। देखो बच्चों इससे आपको एक चीज कंफर्म होना चाहिए, ऑप्टिकल डेंसिटी। देखो यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब अलग होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी का मास वाली डेंसिटी मत समझो, ये मास वाली डेंसिटी मत समझो, ऑप्टिकल डेंसिटी अलग होती है। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देखो केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केरोसिन का ज्यादा है किसकी तुलना में, देन वाटर से कंपेयरिंग करें, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, क्या वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। अब देखो बच्चों और उसी तरीके से मास डेंसिटी की बात करें, तो मास डेंसिटी में क्या होगा जब वाटर की तुलना करेंगे किससे, किससे केरोसिन से, तो क्या होगा वाटर की ज्यादा होगी किससे, केरोसिन से,
केरोसिन से, केरोसिन कम होगा, इसलिए तो आप देखो जब केरोसिन को आप पानी में डालोगे तो केरोसिन ऊपर तैरता है, ऊपर तैरता है, क्यों? क्योंकि वाटर का वजन ज्यादा रहता है, केरोसिन का कम होता है। तो आप ये ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है यहाँ पे लाइट की डेंसिटी, लाइट की डेंसिटी, ठीक है, ये सब आगे जाके आप पढ़ोगे, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये पॉइंट आपको बता दिया है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी, इसलिए तो हम बोलते हैं ऑप्टिकल रेयर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, हम उसे रेयर मीडियम डेंसर मीडियम क्यों नहीं बोलते, उसका मतलब ही मींस हम रेयर मीडियम वाला डेंसर मीडियम बोल रहे हैं, लेकिन उसका मतलब है ऑप्टिकल रेयर मीडियम और ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। अब आपको थोड़ा अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब हम थोड़े बहुत फॉर्मूलाज की बात और कर लेते हैं, इसमें हमारे क्या क्या फॉर्मूलाज हो सकते हैं, ठीक है। अब एक बार मैं सारे टाइप्स के फॉर्मूले लिख देता हूँ, फिर आप इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूलाज की बात करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूलाज, ठीक है, सारे फॉर्मूलाज लिख देता हूँ। पहला फॉर्मूला, ये तो पहला फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे, पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन आर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या तो लिख सकते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, लिखेंगे एन टू अपॉन में एन वन, और उसी तरीके हमारी स्पीड उल्टी हो जाती है, स्पीड को हमने आपको बताया कि किस तरीके से आ रहा है, या इसको हम और क्या लिख सकते हैं, वी वन अपॉन में वी टू, ठीक है, सी वन अपॉन सी टू या वी वन अपॉन में वी टू लिख सकते हैं, ठीक है। एक ये फॉर्मूला मैं लाता, देखो आपके पास कभी कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम गिवन है, इस तरीके से ग्राफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कि आपके पास गिवन है इस तरीके से, एयर टू वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, एयर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर टू वाटर। अब आपसे पूछ लिया जाए कि आप बताओ एयर टू वाटर, सॉरी मैं उल्टा लिख दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये गिवन है, और आपसे पूछ लिया जाए कि आप बताओ हमारे लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर टू वाटर, मतलब कि अब की बार हमारा क्या हो जाएगा, एयर नीचे हो जाएगा वाटर हो जाएगा, लाइट कुछ इस तरीके से आएगी कि ऐसा रिफ्रैक्टिव, देखो मीडियम चेंज हो जाएगी, मीडियम सेकंड मीडियम को पहले लिखते हैं हमेशा, तो मतलब ये इस तरीके से, तो आप इसको किस तरीके से लिखोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसमें वन अपॉन में मीडियम चेंज कर दोगे, इस तरीके से हम डिवाइड कर देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, तो ये एक नया फॉर्मूला जाता है, ये दूसरा फॉर्मूला, ये तो सब आपने पढ़ लिए हैं, ये भी एक, देखो एक ये पूरा फॉर्मूला बन जा रहा है यहाँ से, और एक यहाँ से ये अलग फॉर्मूला बन जा रहा है, और एक यहाँ से ये तीन फॉर्मूले तो एक साथ लिख दिए, ये चौथा फॉर्मूला कह सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और, एक लास्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, आपके पास मान लीजिए आपके पास चार तीन मीडियम है, तीन मीडियम तक का इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम थर्ड मीडियम, ये तीन मीडियम है। अब आपके पास दो मीडियम गिवन हो, दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो, पहला मीडियम का, ठीक है, और दूसरा मीडियम का, पहला मीडियम का ए बी, पहला मीडियम से लाइट हमारी पहले मीडियम में गई, और बी सी, अब दूसरे मीडियम में हमारी लाइट चली गई बी सी में चली गई, ठीक है, इन दोनों का हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब आपसे पूछ लिया गया तो फिर ए सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ए सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ, अब इसके बारे में आपसे पूछ लिया है तो आपको कुछ नहीं करना, तो आप लिखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सी, ठीक है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों के पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखोगे, फिर यहाँ पे देखो दो ब्रैकेट बनाना इस तरीके से, और ये बीच में इनटू का साइन बताना, तो जो हमारा पहले नंबर पे ए है तो आप ए को यहीं पे लिखना, और जो सी पीछे है तो आप उसे सबसे पीछे ले जाओ, जो ए सबसे आगे तो उसे सबसे पीछे, जो सी सी पीछे है तो उसको सबसे पीछे ले जाओ। अब बात करते हैं इनमें कॉमन क्या रह जा रहा है, हमारा बी रह जा रहा है, तो बस दोनों को जगह बी लिख दो, ये इस तरीके से, तो ये इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, बता सकते हैं हर एक चीज के बारे में, ठीक है। अब भाई अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, अब हम न्यूमेरिकल्स लेके आते हैं, ठीक है, तो आपके सारे टाइप से क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, तो मैं इसको रफ करता हूँ, आप नोट करो। तो देखो बच्चों, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं जिससे आपके एक एक टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, हमारे टाइप्स के क्वेश्चन लाए, ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले वाले हमारे एग्जांपल नंबर फर्स्ट में क्या दिया है, हमारे पास बीम ऑफ लाइट फ्रॉम एयर टू अ सब्सटेंस, हमारे पास कोई सी एक बीम ऑफ लाइट आती है, कहां से आ रही, एयर से आती है, वो किसमें चली आ रही, हमारी किसी एक सब्सटेंस में चली आ रही, ये इस तरीके से एयर में आती है और ये इस तरीके से सब्सटेंस में चली जाती है, तो जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ये यहाँ पे नॉर्मल रहता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने डिग्री का बना है, 30 डिग्री का, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 1/2, आपके पास वैल्यू गिवन हुई, ठीक है, और जो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है हमारे पास ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितने डग रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है, तो हमें बताओ उस सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो सिंपल है हमारी सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट की बात करें तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम ये हमारी मीडियम टू हो जाएगी, ये मीडियम फर्स्ट हो जाती, लेकिन हमारे पास ये कुछ भी नहीं गिवन है, लेकिन साइन आई और साइन आर की वैल्यू गिवन है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे साइन आई अपॉन में क्या लिखेंगे, साइन आर, ठीक है, इज इक्वल टू में जी क्या लिखेंगे, एन, एन क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू
फर्स्ट मीडियम पर एक पहला सब्सटेंस हमारा कौन सा x है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू a, तो बस हमें यही निकालना है। इसका कहने का मतलब कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x, x का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम जो कि हमारी ER है। देखो x अकेले लिखा आया है तो आप ये समझना साथ में हमारे साथ ये भी लिखा है किससे कंपेयर की गई ER से, ये भी ही लिखा है, इतना लिखा आया तो विद रिस्पेक्ट टू ईयर वो भी है लिखा नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो ईयर की तुलना में तो बात करेंगे और किसी की में तो करेंगे नहीं। तो ठीक है, तो साइन आई हमारे पास कितना है, साइन आई 30 अपॉन में साइन आर 45 डिग्री इज इक्वल टू में क्या आया है ये इस तरीके से। तो साइन आई की वैल्यू हमारे पास क्या लिख देंगे, साइन आई की हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, साइन आई की वैल्यू हमारे पास 1/2 ठीक है, और हमारे पास इसकी कितनी दी है इसकी ये, तो इसकी भी लिखेंगे 1/2 में √2 पर चला जाएगा यहाँ से 45 डिग्री √2। तो यहाँ से हमारा देखो ये वैल्यू कैंसिल होगी 2 है, तो ये देखो 2 को हम इस तरीके से आगे n/1, तो इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो गई होगी ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ साइन आई की √30 इस तरीके से लिख दिए अपॉन में ठीक है, अब 45 डिग्री 1/√2। तो आपको पता ही होगा प्रॉपर्टी होती है इसका इसके साथ इंटू जाता है और इसका इसके साथ इंटू जाता है, सिंपली हम यही कर देंगे इंटू में √2/1। अब √2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 को कैसे लिख सकते हैं 2√2 और 2√2 इस तरीके से लिख सकते हैं, 1√2 से 1√2 कैंसिल, तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये आ जाएगा 1/√2 ये हो जाएगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस इतना सा पूछा था, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो सबसे पहले मैं इसको रफ करता हूँ क्योंकि हमारे पास जगह भी इतनी सी है ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हमारे पास स्पीड दी गई है, लाइट की स्पीड कितनी दी है, स्पीड ऑफ लाइट एंड एयर में हमारी स्पीड कितनी दी है लाइट की, इतनी दी है 3×10⁸ m/s ठीक है। और हमारे पास स्पीड ऑफ ग्लास की स्पीड कितनी दी है, देखो आप सी लिख सकते हो या वी लिख सकते हो 2×10⁸ m/s। अब हमें पूछा व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का पूछा है मतलब सेकंड मीडियम किसकी कंपेयरिंग में पूछा, एक ही तुलना जिसकी तुलना की जाती है उसको ऊपर लिख सकते हैं, और जिसकी हमें जिसका बोला ग्लास रिस्पेक्ट टू ईयर तो ईयर को हमने ऊपर लिख दिया, तो बस हमें क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ईयर, तो पहले लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर को नीचे रख देंगे ठीक है, और उसी तरीके से हमारी स्पीड उल्टी हो जाती है, स्पीड पहले कैसी है स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ जी, स्पीड हमारी उल्टी हो जाती है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है, तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जी अपॉन में लिखा था 1/v इस तरीके से, ये वी लिख सकते हैं या सी लिख दिया हमने, यहाँ पे सी लिख देते हैं ठीक है। तो देखो 1/v ये नीचे पहुंच जाएगी और इसकी और नीचे होती तो वो ऊपर आ जाती है ठीक है। तो अब वैल्यू स्पॉट करना है सिंपल सी, पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में क्या हो जाएगी किसकी लाइट की स्पीड ग्लास की, ये लिख दी हमने ग्लास की स्पीड इन सॉरी लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ठीक है। अब ये देखो इसको कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हुआ है, 2 बन जा 2 एक पॉइंट, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, तो हमारा आंसर कितना आएगा 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ चुका है ये हमारा किसका हो गया है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ चुका है हमारा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ईयर की तुलना में। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया जाएगा, देखो क्वेश्चन नंबर में 3 क्या है, जो हमारी लाइट है कहाँ से एंटर कर रही है, फ्रॉम एयर से ग्लास में जा रही है। तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाया करो, डायग्राम से ना आपके बेसिक से हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो ये इस तरीके से हमारी लाइट आई एयर से ग्लास में, ये आई और इस तरीके से बेंड होकर चली गई। तो हमसे पूछा व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड क्या पूछा है, अभी बार हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ए, ये क्यों हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ग्लास का दिया, क्योंकि एयर हमारी कहाँ जा रही, एयर से ग्लास में जा रही, एयर से ग्लास में जा रही और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया। तो मतलब हम आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा सेकंड मीडियम का होता है, तो ये इसके बाद ग्लास का होगा, इसलिए हमने क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो यहाँ पे लगेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, और हमारे पास गिवन क्या है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, आपकी बात स्पीड की बात कर दी लाइट की स्पीड की, तो हमारे पास यहाँ पे स्पीड लिख देते हैं रिफ्रैक्टिव, तो स्पीड ऑफ पहले ऊपर क्या जाएगा स्पीड ऑफ एयर अपॉन में क्या आएगा स्पीड ऑफ
ग्लास उल्टा हो जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमारे पास इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इतना दिया गया, ठीक है। स्पीड किसकी, आपको ये पता होना चाहिए एयर की स्पीड क्या होती, आपको हमेशा पता होना चाहिए एयर की स्पीड क्या होती। एयर की स्पीड हमने कई बार बता चुका हूँ 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और हम सिंपल यहां से लिख सकते हैं स्पीड ऑफ ग्लास, स्पीड ऑफ ग्लास की अब इसके साथ इसका इंटू जाएगा, तो यहाँ पर जैसे इंटू करेंगे यहाँ पे इंटू में जाएगा और ये डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो 1.5, तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो। और यहाँ से 2 से कैंसिल, 5 से कैंसिल, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, और ये से कैंसिल किया 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2 × 10^8 मीटर पर सेकंड। मैं आपको कई बार भी बता चुका हूँ ग्लास की स्पीड भी कितनी होती है 2 × 10^8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म होता है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, ठीक है। धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखो हमारे पास इफ द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ वाटर टू लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, हमारे पास इंडेक्स रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसका दे सका है, जब हमारी लाइट कहां से आए, एयर टू वाटर। तो हम इस तरीके से पहले डायग्राम एयर टू वाटर, नीचे वाटर आ जाएगा ऊपर क्या आ जाएगी हमारी, और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या दे रखा है 1.33। तो हम यहां पर सिंपल लिख दूंगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, उल्टा हो जाएगा क्योंकि पहले वाटर का लिखते हैं, इज इक्वल टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन में एयर। ये अभी तो सिंपल इतना लिख दो, इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, ठीक है। आगे क्या बोला, व्हाट विल बी द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर, लाइट हमारी कहां से जाना चाहिए वाटर टू एयर, इसको चेंज कर दिया है, किसमें ऊपर वाटर आ गया है और नीचे हमारा एयर आ गया है। ये पहले एब्सोल्यूट था, एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स था, अब इसे रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया। एब्सोल्यूट में क्या होता है एयर या फिर वैक्यूम पर, इसमें एयर या वैक्यूम, अब इसे किसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, ये ऐसी क्वेश्चन कभी कभी करा जाता है, ये कौन सा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, तो आप कह देते हैं एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अब इसे किसमें कन्वर्ट कर दिया रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में। तो अब देखो, अब अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, या अब हमें बताना किसमें एयर टू वाटर में जाना है, वाटर टू एयर, वाटर इस तरीके से देखो वाटर टू एयर, यहाँ पे वाटर टू एयर में जाना है, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसका निकालेंगे, अबकी बार एयर का निकालना है, एयर का, तो हम एयर का भी निकालेंगे, तो यहाँ पर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर ये फाइंड करना है। तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था जस्ट अभी, क्या बताया था रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ, क्या बताया था रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो हमने क्या लिखा डिवाइड कर दो, इस तरीके से हम डिवाइड कर देंगे 1/2, इस तरीके से हमें क्या फर्स्ट मीडियम को मिल जाता, तो हम इसको एक तरीके से लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले आएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, ये कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे ऐसा लिख देंगे ये, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे भी ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे ये फाइंड करना है ये इस तरीके से, क्या बोलेंगे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू में 1/1 में रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इस तरीके से हो जाएगा। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1/1 में 1.33। अभी जस्ट पहले मैंने इससे पहले ये फॉर्मूला लिख के आ रहा हूँ, ये वाला आप जाकर बैक करके वीडियो देख सकते हो, और जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा 0.75 के आसपास में ये आ जाएगा आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है, जितने भी हो सकते हैं सारे लेवल टाइप से क्लियर करेंगे, तो आप इसको नोट करो। तो देखो अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दिया है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 6/5। देखो हमारे क्वेश्चन में दिया क्या गया है, हमें स्पीड बतानी है जिसका हमारे पास मीडियम, किसी भी एक मीडियम है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया है 6/5 दिया गया है। तो हमें पूछे इफ द स्पीड ऑफ एयर, हमारे पास ये स्पीड ऑफ एयर दी है किसमें किलोमीटर पर हवर में दिए, ठीक है, तो आंसर ये हमारा किसमें आएगा किलोमीटर पर हवर में, ये हमारी कैसी है स्पीड की लाइट आएगी। तो देखो आप समझो पहले इसको, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया हमारे पास, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया है किसका दिया गया है मीडियम का, किसी भी मीडियम का हो, ठीक है, मतलब कि वो मीडियम हमारी होने वाली है सेकंड वाली। अब हमें और हमारे पास किसी दूसरे मीडियम क्या दिए गए एयर, तो इसका मतलब क्या हुआ एयर हमारा दिया हुआ। जब हमारे पास मीडियम, देखो आज जरूर नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू एयर लिख के यार, लेकिन हमारे पास स्पेसिफिक मीडियम का नाम दे दिया है, तो इसका मतलब सेकंड मीडियम है वो और पहली मीडियम हमारी ये, इस तरीके से लाइट जाएगी, पहली मीडियम होगी एयर। तो आप समझ जाना कि विथ रिस्पेक्ट टू एयर से कंपेयरिंग किया, यदि कुछ भी नहीं दिया गया हो तो आप सीधे समझ जाओ एयर से कंपेयरिंग कर रही है, तो हम सीधे लिख सकते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ, इस तरीके रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मीडियम हमारी m विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू में रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अपॉन में रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। और हमें स्पीड की बात कर रही है, तो स्पीड हमारी उल्टी हो जाती है, इसमें स्पीड क्या हो जाएगी v ऊपर a की ऊपर हो जाएगी m की नीचे हो जाएगी, स्पीड हमारी उल्टी हो जाती है।
ठीक है, क्योंकि क्या होते हैं जो हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। हमारे पास स्पीड की बात दी गई, अब हमारे पास देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वी अपॉन में ए, सिंपल, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ रही अभी। ठीक है, तो अब यहाँ पे सीधा लिख देते हैं ये, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे मीडियम टू क्या हमारी 6/5, ये हमारे पास है, और स्पीड किसकी दी एयर की, तो एयर की हम ऊपर लिख देंगे, कितने जीरो है हमारे पास, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, हमारे 5 जीरो लगा दिए, और ऊपर से मीडियम की स्पीड निकालना है हमारी, मीडियम की स्पीड ही कैलकुलेट करना है, हाँ मीडियम की करना है, तो ठीक है अब कैंसिल कर देते हैं। अब ये देखो इससे यहाँ से ये 5 टाइम यहाँ 6 यहाँ पे कर, हमने यहाँ से कर दी, यहाँ से 6/5 या 6 ही कर दी ना, 6/5 या 30, अब ये इन दोनों के ES के साथ इंटू हो जाएगा, तो इसकी हमारी सीधी निकालेगी 25 और 00 और ये 000, इस तरीके से किलोमीटर पर आवर। ये तो हमारा सिंपल सा था, पर सेकंड ये तो हमारा सिंपल सा था, ये तो आपका आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, तो पहले मैं सेट अप करता हूँ, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 ये है, वैसे तो शायद ही इस पे क्वेश्चन आते हैं लेकिन आ भी जाए ना, तो 3 मीडियम की बात करने के लिए, तो हमने तीसरे मीडियम, अब हम 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो यहाँ पे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एक मिनट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एयर इज इक्वल टू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन में क्या हो जाएगा एयर, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है 3/2, इसका मतलब हो जाएगा इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमारे पास कितना दिया गया है 3, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना दिया गया है 2 दिया गया है। और आगे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगेन फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर का दिया गया, ठीक है, किसी कंपेयर में एयर के कंपेयर में इज इक्वल टू में क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन में एयर, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी गई है 3/2। अब हमसे पूछा गया है फाइंड क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब कि हमें पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन में वाटर के बारे में पूछा है। तो आप इसको दो तरीके सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको दोनों तरीके बताने वाला हूँ। देखो कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन की बात की जाए, कॉमन क्या है दोनों में हमारा क्या है, एक मिनट, यहाँ पे 4/3 यहाँ पे होता है हमारा 4/3 होता है, ये है। अब दोनों में कॉमन क्या है एयर, तो एयर की वैल्यू यहाँ पे 2 है यहाँ पे 6 है, तो इनको सेम बनाना है, तो आप क्या करो इन दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम लेना दोनों नंबर से, दोनों तरीके बताऊंगा, मेथड वाला भी बताएंगे, जो हमने 2 यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ 3, तो हमारा एलसीएम कितना आ रहा है 3, 6 आ रहा है एलसीएम, तो अब यहाँ पे 6, तो यहाँ पे भी 3 का इंटू करना पड़ेगा, इसे भी 6 बना लो तो ऊपर भी 3 का इंटू करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 3 का, यहाँ पे 2 का इंटू करना पड़ेगा, नीचे 6 बनाने की यहाँ पे 2 का इंटू करना पड़ेगा, तो हमारी यहाँ पे कितना मिल जाएगा 9/6, यहाँ पे कितना मिल जा रहा है हमारे लिए 8/6, ये कुछ इस तरीके से मिल गए, दो वैल्यूज मिल गई हमारे लिए, तो ठीक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब हम सीधा बता सकते हैं हमें वैल्यू सेम इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम डायरेक्ट पहले ये 3 मीडियम से लाइट होकर आ रही थी, ये इस तरीके से मीडियम आ रही, पहले मान लेते हैं वाटर फिर ग्लास, या फिर हो सकता है पहले एयर होगी फिर ग्लास होगी वाटर होगी, इस तरीके से। अब हमें क्या लिए? इस मीडियम को उठा के सीरीज से चिपकाती है, ऐसा हुआ है, तो इसलिए हमने क्या करिए नीचे का जो हमारी एक मीडियम को सेम बना लिए, मतलब कि आप ऐसा कह सकते हैं हमारा मीडियम जो एयर होगा ना वो बीच में होगा, ऊपर ग्लास हो सकता है नीचे और कोई सा मीडियम होगा, इसमें आई तो हमारे क्या सेम बना दिया, ठीक है ऐसा हो सकता है, तो हमने मान लिया इसको, बस आपको दो जो कॉमन है उसको सेम बनाना है, उससे ज्यादा आप कुछ भी मत सोचो, तो ठीक है ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है 9 है, अब देखो ये 9 हो गया, 9/ में क्या हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर क्या हो गया 8 हो गया, इस तरीके से कर सकते हो। चलो ये भी नहीं आया मान लिया हटाओ, तो हम तो सीधे फॉर्मूला आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसके पूछा क्या हमने ये पूछा है इज इक्वल टू में, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, आपको समझ लिया कि ये नहीं आया, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, जैसे ये मस्त था उस वाले से, उसमें इसमें कंफ्यूज नहीं होते, तो मैंने ये रफ कर दिया, ठीक है। अब देखो अब हमें लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे एन लिखना है और यहाँ पे भी एन लिखना है, बीच में हमारे लिए इनटू का साइन बनाना है और दो डैश छोड़ देना है, यहाँ पे भी दो, पहला वाला जी है तो यहाँ पे जी लिख देना, दूसरा वाला डब्ल्यू है तो पीछे डब्ल्यू है तो सबसे पीछे ले जाओ, अब बचा कौन ए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए ए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ईयर ये क्या बना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ईयर, सीधे ऐसे डैश लिख दिया इनटू। अब देखो बच्चों यहाँ पे बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ना किससे, एयर टू वाटर, लेकिन वाटर टू एयर का हमारे पास क्या है, वाटर से वाटर का कंपेयर किया गया है एयर के साथ, लेकिन हमें एयर को कंपेयर करना वाटर के साथ, तो यहाँ पे उल्टा हो गया है, तो अब इसी इन वैल्यूज को भी उल्टा कर देंगे, यहाँ पे उल्टा तो यहाँ पे भी उल्टा, तो तब भी हमारा 9/8, देखो दोनों बार 9/8 आया है,
आपको जो मेथड अच्छा लगा उससे करो, वीडियो बैक करो। वैसे वो वाला मेथड है इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, उसमें बिल्कुल कोई चांसेस नहीं है, सीधा जो कॉमन है उसे सेम बना लो, एलसीएम लेके खत्म, वही क्वेश्चन। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 7, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स, हमारे पास कोई सा एक्स सब्सटेंस है एक्स जिसको कंपेयर किया गया है विद रिस्पेक्ट टू वाई से, y से कंपेयर कर लिया उसका हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो पहले यहां पे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x अपॉन में लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y इज इक्वल टू में क्या आ गया 4 अपॉन में 6 3 4 अपॉन में 3 और ठीक है, और हमारे पास अब एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया z जिसको कंपेयर किया गया y से इस तरीके से 3 अपॉन में 4 और हम इससे लिख सकते हैं, इसको पीछे लिखूंगा जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y इज इक्वल टू 3 अपॉन में 4, तो हमारे यहां भी बता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x का ये, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x का ये और एक मिनट z है यहाँ पे, z और y यहाँ पे क्या हमारा z y, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हुआ z हुआ और y हुआ। अब बात देखो दोनों तरीके से मैं बताऊंगा, हमसे पूछा क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बारे में पूछा है n, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू z के बारे में पूछा है, ये हमसे पूछा है पहले में और दूसरे में हमारे लिए पूछा है z रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x, ये दो क्वेश्चन पूछे हैं, अब हम दोनों को करके बताएंगे। ठीक है, अब आप या तो आप इसमें देखो बढ़िया दोनों 2 सेकंड में हो जाएंगे आपके क्वेश्चन, 2 सेकंड में बस आपको इनमें वैल्यू सेम बना लो, कॉमन क्या आ रहा है ये, इसमें अगेन हमारा क्या एलसीएम लेंगे इन दोनों का, अगेन 6 आने वाला है एलसीएम, तो हम इसमें 6 बना लेंगे इसमें 2 कर देंगे, इसको भी हम 6 बना लेंगे ऊपर 3 और नीचे 3, तो हमारा आंसर क्या आने वाला थोड़ा और इधर खिसका लेता हूं। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा 8 अपॉन में 9 और यहां पे कितना हो जाएगा हमारा 9 अपॉन में 6 ये हो जाएगा हमारा 9 अपॉन में 6 4 था ना, हाँ 9 अपॉन में 6 ये हो जाएगा। अब देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x और विद रिस्पेक्ट टू y z ये क्या माना, तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z। ठीक है, तो x x की वैल्यू हमारे पास यहां पे क्या x x की देखो दोनों देखो यहां पे भी x यहां पे कितनी आ रही 8 और अपन में z की कितनी है, z की हमारी z z z 9 एक ये हो जाएगा, और देखो सिंपल दूसरा भी यहीं से निकाला गया ये y x यहाँ पे x है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z अपन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हमारा z कितना आ रहा है z z z 9 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x 8 ये देखो आप आंसर नोट कर लो, मैं दोनों मेथड से कराने वाला हूँ, ये बेस्ट मेथड है, पहले का क्या आ रहा है हमारा 9 8 अपॉन 9 दूसरे का आ रहा है 9 अपॉन 8। ठीक है, अब मैं इसको रफ करता हूँ, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं भी किया होगा तो आप भी थोड़ा सा वीडियो बैक कर लो, मैंने रफ कर दिया है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा मैं ये रफ कर देता हूँ, ये वैसे तो ये मस्त है, आपको ये याद आया होगा मुझे 100% पता है, क्योंकि टाइम उसमें टाइम ही नहीं लग रहा है। अब देखो यहाँ पे आपको सोचना पड़ता है इसके बारे में फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई और जेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पहले एन का लिखोगे, फिर हमें यहाँ पे इन टू बनाना पड़ेगा, फिर एन का, फिर यहाँ पे 2 डैश बनाना पड़ते हैं, फिर अगेन बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा हमारा z। ठीक है, यहाँ पे x, यहाँ पे पहला नंबर का x, फिर यहाँ पे हो गया z, अब बचा कौन हमारा, क्या बचा हमारा y, तो दोनों में y आएगा y। ठीक है, अब देखो x रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x और y का कितना दिया 3/4 इंटू और y और z, y z उल्टा दिया, देखो z y दिया तो y z उल्टा करना पड़ेगा, इसलिए इनमें कंफ्यूजन हो सकती है, तो देखो पहले का आंसर हमारा 8/9 देखो सेम आया, और जो दूसरा वाला है वो आपको आंसर तो पता चल चुका है, तो आप इसी कमेंट में करके बताना कि आपका आंसर सही आ रहा है या फिर गलत आ रहा है। ठीक है, तो हमने सारे टाइप्स के क्वेश्चन क्लियर कर लिए हैं। ठीक है बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।